उत्तराखंड में 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर मतदान है। मतदान को बढ़ावा देने के लिए इस बार निर्वाचन आयोग की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार 85 प्लस और दिव्यांग मतदाता अपने घरों से ही मतदान कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा इस बार गर्भवती महिलाओं के लिए भी मतदान के लिए निर्वाचन आयोग डोली की सुविधा देने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने कहा कि प्रदेश में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य महानिदेशक को गर्भवती महिलाओं के लिए डोली की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अभी ऑलमोस्ट हमको 10 दिन बचा है लोकसभा निर्वाचनों में, अप्रैल 19 को यहाँ पर चुनाव है। कल माननीय चुनाव आयोग ने एक निर्देश दिया है कि गर्मी को देखते हुए पोलिंग बूथों में अच्छे इंतजाम करने के लिए, उसी के तहत आज मौसम वैज्ञानिक विभाग के लोग भी आए थे और तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग आए थे। जो मौसम का जहाँ तक ये है कि उन्होंने बोला है कि हीट वेव उत्तराखंड में नहीं रहेगा, टेम्परेचर यहाँ पर 33-34 के अंतर्गत ही रहेगा और पहाड़ों में भी ठंडा ही रहेगा। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि बहुत दिक्कत नहीं है, बट फिर भी हम लोग पूरा इंतजाम कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर शहरी एरियाज में हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में यहाँ पर सारी पोलिंग बूथों में पीने के पानी का व्यवस्था एवं फैन की व्यवस्था, अच्छे फैन, थोड़ा हवा दे लोगों को, इस और टेंट और शामियाना की व्यवस्था हम कर रहे हैं।